आप सभी ने डीमन स्लेयर के स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को जरूर देख रखा होगा और अब आप चाह रहे होंगे कि भैया जल्दी से इन्फिनिटी कासल आर्क को देखा जाए, पता नहीं कब एनिमेट होगा। लेकिन उससे पहले मांगा में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी है दोस्तों, जहां सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन वहां कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसीलिए मैं अपनी अगली कुछ वीडियोस में पूरे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को कवर करूंगा। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि वीडियोस में स्पॉइलर होंगे तो भैया बच के रहना। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में जो घमासान युद्ध हुआ था उससे होश में आने के लिए तांजिरो को 7 दिन लग गए, लेकिन भैया अपनी मित्सुरी जो थी, साथ ही अपने मुइचिरो, वो लोग सिर्फ 2 दिन में मस्त उठ गए थे। और हाँ, स्वॉर्डस्मिथ विलेज जो था उसे अब शिफ्ट करा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली डीमंस को उसका लोकेशन लीक हो गया है ना। और अगर बात नेज़ुको की जाए तो भैया मस्त वो सन में सन बाथ ले रही है, क्योंकि अब उसको सूर्य की रोशनी से कुछ नहीं होता। अब इस बात को सुनकर सबसे ज्यादा खुश होता है अपना ज़ेनित्सु, क्योंकि भैया उसको नेज़ुको से प्यार है। वो उसका हाथ लेता है, उससे कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी वंडरफुल हो। लेकिन इसके जवाब में नेज़ुको पता है क्या कहती है? वेलकम बैक इनोस्के। इनोस्के? जी हाँ, वो इनोस्के का नाम लेती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनोस्के यहाँ 2 दिन पहले आके नेज़ुको को अपना नाम बोलना सिखा दिया था। आपको पता होगा नेज़ुको अभी पूरी तरह से अच्छे से नहीं बोल पाती। बस इससे भैया अपने ज़ेनित्सु का पिछवाड़ा जल जाता है और वो कहता है कि मैं उस सुअर को स्पिट रोस्ट कर दूंगा, बवंडर ला दूंगा, बवंडर। एक हाशिरा मीटिंग भी देख पाते हैं जहां पे हम अमाने उबुयाशिकी को देख पाते हैं। जी हाँ, कगाया जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। यहाँ मुद्दा यह था कि क्योंकि अब नेज़ुको सनलाइट को झेल सकती है तो पक्का मुजान उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। एक और बात यह कि डीमन स्लेयर्स अब मार्क्स को अनलॉक कर रहे हैं, तो आखिर ये मार्क्स है क्या? अमान एक्सप्लेन करती है कि सबसे पहले ये मार्क योरीची को आया था। ऑफकोर्स उसके पास तो जन्म से ही था, लेकिन उस एरा में कई डीमन स्लेयर्स अपना मार्क अनलॉक किए थे। लेकिन समय के साथ साथ मार्क को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं फेड होने लग गई थी, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास में कई बार डीमन स्लेयर कॉर्प्स खत्म होने के कगार तक पहुंच गई थी। इसीलिए इन मार्क्स को लेके हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर किसी डीमन स्लेयर के पास मार्क होता है तो वो सबकॉन्शियसली दूसरे डीमन स्लेयर्स में भी मार्क स्प्रेड करने लग जाता है, किसी तरह के पावर अप की तरह पावर अप बंट रहा है। अब इसके लिए ऑफकोर्स कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है वो हमें आगे पता लगेगा। अब यहां हम सब जानते हैं कि मार्क को किसने अनलॉक कर रखा है। सबसे पहले तो अपना तांजिरो, देन ऑफकोर्स मित्सुरी एंड मुइचिरो। लेकिन भैया यहाँ तांजिरो तो इंजर्ड था और मित्सुरी को मार्क के बारे में कुछ घंटा नहीं पता, कुछ भी बकवास बोल रही थी। ऐसे में मुइचिरो सामने आता है कि मैं बताएगा मार्क के बारे में, तो दरअसल जब मैं अपर मून 5 से लड़ रहा था तो उस टाइम मैं पॉइजन हो गया था और अपने पॉइजन को मैं बॉडी में फैलने से रोकने के लिए अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। वैसे आपको याद है तेंगेन उज़ुई अपने पॉइजन को कैसे होल्ड किए थे काफी देर शरीर में? वैसे वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग भी है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे भी जो बंदा 3 बीवी को संभाल ले वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब मुइचिरो सिर्फ 14 साल का है और अभी उसकी शादी नहीं हो सकती? अरे आओ कभी राजस्थान। ये सब जोक नहीं मारने का, चैनल उड़ जाएगा मेरा। खैर, मुइचिरो आगे बताता है कि उस मोमेंट में उसे अपना पास्ट याद आया था जिससे वो एकदम गुस्से से भर गया था। परिणाम अनुसार उसका जो हार्ट बीट था वो 200 बीट्स पर मिनट से ऊपर चला गया था और उसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में किसी भी इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुइचिरो का कहना था कि ये काइंड ऑफ एक टेस्ट है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन को झेल गए, उससे बच गए, तो भैया आप कर लोगे मार्क को अनलॉक, और अगर मारे गए तो फिर मारे ही गए, क्या ही कहना। तो ये सब सुनकर सानेमी कहता है कि ये मार्क अनलॉक करना बहुत आसान है, मैं फटाफट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें। वहीं गियो फुसफुस आता है कि जो लोग सोचते हैं ना कि मार्क अनलॉक करना इजी है, सब बेवकूफ होते हैं। तो ये सब सुनकर अमाने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करती है जिसमें हर एक मार्क्ड स्लेयर का हिस्सा लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग की मदद से बाकी स्लेयर्स को भी मार्क अनलॉक करने में मदद करेंगे। अब इस पॉइंट पे गियो का अजीब सा रिएक्शन आता है। I mean, वो कहता है कि मैं इस सब में भाग नहीं ले रहा, मैं यहां से जा रहा हूं,
वेल, बहुत ही अजीब सा रिएक्शन है, लेकिन ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। वैसे सानेमी इस बात को एकदम ईगो पे ले लेता है और गियो से भिड़ने चला जाता है, लेकिन इन दिनों के बीच ग्योमी आते हैं, बोलते हैं मेरा भी प्रोग्राम है, अटेंड करो, बढ़िया रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बटरफ्लाई मैंसन में हागानेज़ुका तांजिरो को उसका नया तलवार देता है। इस स्वॉर्ड पे एक कांजी की फॉर्म में स्लेव वर्ड भी लिखा हुआ था और तांजिरो से देखकर कहता है कि पहले तो ये मार्किंग्स नहीं थे स्वॉर्ड पे, तो अभी कैसे आए। अब ये सुन के हागानेज़ुका को गजब का गुस्सा आता है। अगर आपको याद हो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में तांजिरो इस तलवार को बनने से पहले ही इस्तेमाल कर लिया था, तो इस वजह से इस तलवार पे अनरिपेरेबल स्क्रैचेस आ गए हैं। तो भैया हागानेज़ुका का गुस्सा इस पॉइंट पे तो जायज है, मैं तलवार बना रहा होता मुझे भी गुस्सा आता। ऐसे भी योरिची के तलवार पे तुम स्क्रैच मारती है, शर्म नहीं आई तुम्हें? और वैसे एक और बात बता दूं कि ये जो नया तलवार बना है इसका जो हिल्ट है वो रेंगोकू का है। खैर, तो इसके बाद वहीं साइड के बिस्तर पर पड़ा हुआ गिन्या कंप्लेन करता है कि तांजिरो तुम और तुम्हारे जो गेस्ट लोग आते हैं बहुत आवाज करते हैं। एंड तांजिरो बीइंग हिम वो तुरंत अपोलोजाइज करने लगता है, लेकिन तभी खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है अपना इनोस्के। जलवा है हमारा। इनोस्के हाशिरा ट्रेनिंग को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और यहाँ हमें ट्रेनिंग का एक रूल भी पता लगता है। बेसिकली हर एक हाशिरा जो कि किसी दूसरे हाशिरा से रैंक में कम है तो उन्हें भी उनसे ट्रेनिंग लेना होगा। अब आप उनसे पूछ सकते हो कि नॉर्मली तो हाशिराज वगैरह बिजी होते हैं ना, उनको डीमंस वगैरह को मारना होता है, तो सब के सब अवेलेबल कैसे होंगे? वेल, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है और वो ये कि जब से नेज़ुको सनलाइट को झेल पाई थी तब से अचानक से ही डीमन अटैक्स मानो खत्म ही हो गए थे। वो कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, वैसा ही कुछ सीन था इधर। तो हाँ, बेसिकली अभी जितने भी हाशिरा थे वो मस्त फ्री थे, कोई डीमन घूम ही नहीं रहा है तो फ्री होंगे। अब इस हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक बंदा था जो बिल्कुल खुश नहीं था और वो बंदा आप सब गेस कर ही सकते हैं कौन होगा, अपना ज़ेनित्सु। ज़ेनित्सु का कहना था कि कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, उसको बहुत मुश्किल होगा, वो नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। यहाँ तांजिरो को कगाया के क्रो द्वारा एक लेटर भी मिलता है, पर इस लेटर में क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। खैर, तो इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज होता है और इस प्रोग्राम के पहले लेवल के ट्रेनर हैं अपने तेंगेन उज़ुई। उनका काम है स्लेयर्स के स्टैमिना को इम्प्रूव करवाना अपने ट्रेनिंग रेजीम के साथ। इसके बाद आती है हम सबकी प्यारी मित्सुरी जो कि लोगों को हेल्प करेगी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी का तो मेरे को भी थोड़ा इशू है, कमर वगैरह में दर्द रहता है, तो क्या कहते हो ट्रेनिंग ले लूं मित्सुरी? खैर, तो आगे मुइचिरो लोगों को क्विक मूवमेंट सिखाने में हेल्प करेगा, देन ओबोनाई स्लेयर्स की स्वॉर्ड स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, देन अपना सानेमी स्लेयर्स की इनफाइनाइट पाउंडिंग वाली जैसी कुछ ट्रेनिंग करेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो वो लिटरली जो ट्रेनिंग करने आएगा उसी से भिड़ जाएगा, टिपिकल सानेमी। एंड लास्ट में ग्योमी स्लेयर्स की मसल रीइंफोर्समेंट को ट्रेन करेगा। इस ट्रेनिंग का बेसिक गोल यही है कि जो भी नया स्लेयर आ रहा है उसे अपना मार्क अनलॉक करने की कोशिश करनी होगी, साथ ही जिनका मार्क अनलॉक हो गया है उनका मार्क रहे वापस ना चला जाए। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे प्रोग्राम में दो हाशिरा की कमी है, एक तो शिनोबू और दूसरा गियो। अब शिनोबू तो अपना पॉइजन वगैरह बनाने में लगी हुई है, देन वो नेज़ुको पे रिसर्च कर रही है, लेकिन भैया गियो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा? वैसे में तांजिरो डायरेक्टली गियो के पास जाके उसको विजिट करता है और कहता है कि देखो अभी तो मैं इंजर्ड हूं, लेकिन 7 दिन बाद मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ भी ट्रेनिंग करूं। लेकिन गियो तो साफ इनकार कर देता है और तांजिरो गियो के अंदर के गुस्से को सेंस कर लेता है। ऐसे में गियो बोलता है कि तांजिरो मैं गुस्सा हूं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम वाटर ब्रीदिंग को ठीक से मास्टर नहीं किए, तो अब वाटर हाशिरा कौन बनेगा? एक मिनट, वाटर हाशिरा तो गियो खुद ही है ना, तो वो तांजिरो को क्यों बनाना चाहता है वाटर हाशिरा? वेल, इस पॉइंट पे हमें उबुयाशिकी के लेटर का कंटेंट बताया जाता है जो कि कौवे के द्वारा तांजिरो को मिला था। लेटर में उबुयाशिकी लिखे थे कि उन्हें डर है कि गियो इस सब में अकेला पड़ जाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और क्योंकि वो बीमार है तो वो खुद गियो से बात नहीं कर सकते, तो ऐसे में तांजिरो का ये काम है कि वो गियो को मनाए, उससे बात करे, उसे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करवाए। अब तांजिरो को तुम ऐसा कुछ काम दिए हो तो भैया वो तो तुम्हारे पिट्ठी पे बैठ जाएगा, और ऐसा ही वो कुछ गियो के साथ करता है, एकदम पीछे ही पड़ जाता है और 4 दिन बाद गियो हार मान के तांजिरो को सब कुछ बताता है। तो यहां गियो हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है और जो पहली बात वो बताता है कि फाइनल सिलेक्शन जो होता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए उसको गियो पास ही नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के दौरान गियो के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था सबितो। अब सबितो कौन है ये सब आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, कमेंट करके आप लोग बताओ आपको पता है कि नहीं। हाँ, इस चैनल पे एग्जाम्स भी होगा तुम्हारा, समझ रहे हो, लोगिनियन का एक नया एग्जाम। खैर, गियो के बताता है कि वो और सबितो सेम एज के थे और उन दोनों की फैमिलीज को डीमंस ने मार दिया था, तो ऐसे में इन दोनों की बॉन्डिंग तुरंत हो गई थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अब जिस ईयर सबितो और गियो का फाइनल सिलेक्शन वाला टेस्ट हुआ
हुआ था उस ईयर सिर्फ सबीतो ही मारा गया था, बाकी सारे स्लेयर्स बच गए थे। क्यों? क्योंकि सबीतो अकेला ही सारे डीमंस को मार रहा था, सिर्फ वो एक डीमन को नहीं मार पाया। कौन सा डीमन आप लोग बताना कमेंट्स में, पता होना चाहिए आपको। बेसिकली गियो रिवील करता है कि सिलेक्शन की शुरुआत में ही गियो तो इंजर्ड हो गया था और सबीतो उसको कैरी किया, रेस्क्यू किया, और 7 दिन बाद जब गियो उठा तो वो सिलेक्शन पास कर गया था, वहीं सबीतो जो कि सारे डीमंस को मारा था वो मारा गया। तो देखा जाए तो गियो एक भी डीमन को अपने सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान नहीं मारा था और यही बात उसे आज तक हॉन्ट करती है। यही वजह है कि गियो अपने आप को बाकी हाशिरा से कमजोर मानता है, इनफैक्ट वो खुद को हाशिरा तक नहीं मानता। उसे लगता है कि वो मार्क अनलॉक नहीं कर सकता और इसीलिए उसे ट्रेनिंग में भी नहीं जाना। वैसे हम सब जानते हैं कि गियो स्ट्रांग है, जस्ट दैट बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है और मार्क भी वो अनलॉक किया है इन्फिनिटी कासल आर्क में, पता ही होगा आप लोग को। खैर ये सब सुन के तांजीरो देता है अपना लेक्चर, आप लोग जानते ही हो उसको, कि कैसे सबीतो को तुम पे भरोसा था, उसका भरोसा मत तोड़ो इत्यादि। अब ये सब सुनकर गियो की ओल्ड मेमोरीज कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाती है और इन मेमोरी में सबीतो गियो को खींच के एक लपेड़ा मारता है। लपेड़ा मतलब लपेट, थप्पड़, चपेड़, जो आप बोल लो। वो गियो को याद दिलाता है कि कैसे गियो की बहन उसको बचाने के लिए डीमन का शिकार हो गई थी, जबकि देखा जाए तो गियो के बहन की अगले दिन शादी थी। तो ऐसे अगर गियो मरने की बात करेगा, इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा, तो क्या उसकी बहन की आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगा? उसकी बहन का सैक्रिफाइस वेस्ट हुआ, साथ ही सबीतो जो खुद को सैक्रिफाइस किया है, उस डीमन से मारा गया, गियो बचा, सबीतो का भी सैक्रिफाइस तो वेस्ट हुआ ना। तो हाँ, ये सब वेस्ट मत करो, इतना डिसरेस्पेक्ट मत करो मरे हुए लोगों को, अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। ये सब बात सुन के गियो को थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने मन में ही सबीतो और अपनी बहन से माफी मांगता है और फाइनली वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लिए तैयार हो चुका था। खैर दूसरी तरफ हम शिनोबु को देखते हैं जो कि अपनी बहन की फोटो के सामने बैठी होती है कि तभी वहां कनाओ आती है। शिनोबु कनाओ को बताती है कि कैसे वो ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन वो डोमा को मारने का प्लान कर रही है और वो अपना प्लान कनाओ को भी समझाती है। खैर अब अगर बात तमायो की जाए तो यहां उसके साथ कुछ स्ट्रेंज होता है। दरअसल कगाया अपने कौवे को भेजता है ताकि वो तमायो को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में बुला सके। अब इसमें स्ट्रेंज क्या है, तमायो डीमन है दोस्तों, याद नहीं तुमको? अब तमायो को बुलाया क्यों गया? वेल, ताकि वो शिनोबु की मदद कर सके पॉइजन वगैरह ऐसा कुछ कुछ बनाने में, जिससे मुजान को हराया जा सके। अब तमायो का ड्रग्स कितना यूजफुल हुआ था मुजान को हराने में, ये आप लोग जानते ही होंगे। लिटरली इम्पॉसिबल था मुजान को हराना विदाउट तमायो। और हाँ, यहीं पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के पहले 3 चैप्टर्स खत्म हो गया, इसी के साथ वीडियो भी खत्म। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर 9 चैप्टर्स हैं और मेरा प्लान है कि मैं 3 वीडियोस के माध्यम से आपको 9 चैप्टर्स की कहानी बताऊं, यानी कि 2 और वीडियोस आएंगी, लेकिन वो वीडियोस तभी आएंगी जब आप लोग इस वीडियो पे 20K likes कंप्लीट करोगे। लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, तभी तो बनाऊंगा यार अगला वीडियो। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करके उनसे भी लाइक करवाना, साथ ही डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वही जो रेगुलर अपना है, एंड देन अगर चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।